देखिए, एक तरफ पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिशें रच रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर प्रॉक्सी वार कर रहा है, हिंदुस्तान के बॉर्डर के थ्रू वो ड्रग बेच रहा है, और बड़े बड़े इसमें शामिल जो लोग हैं उनको उत्साहित कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे हुए ISI के एजेंट ये गोपाल चावला जैसे लोगों को वो पाल रहा है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को किसी तरह का भी इनविटेशन देना दुखांत है। दोस्त को इनविटेशन दिया जाता है, ये दुश्मन है, और दुश्मन को इनविटेशन नहीं देना चाहिए। सर, बीजेपी का कहना है कि ये शांति का संदेश देते थे, गुरु नानक देव जी शांति से सब धर्मों के बंधु को बुलाना चाहिए, हर मुल्क के बंधु को बुलाना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि देश से ऊपर धर्म नहीं होता, और देश सबसे ऊपर होता है। और जब देश के प्रति कोई वफादारी ना दिखाए, उसके प्रति वफादारी दिखाना, दोस्ती करना, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो एक बात कही थी इनविटेशन की, और उन्हें कहा था कॉरिडोर की बात कही थी, आपने कितना हंगामा खड़ा किया, देश ने कितनी चिंता जताई। और ये उससे भी बड़ी बात है, आपने तो रिटर्न में जाकर के वहां इनविटेशन ही दे दिया, उनको सद्दा ही दे दिया। और मैं समझता हूं कि देश के लोग ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते।